कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उत्तम सोच सर्व जग जाना, जोबे पाप का पाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा सुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंग जमुन समोर नावे, असुचि दोष स्वभाव ते, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन घट विधि सुचि कहे, बहुदेह मैले सुगुण थैले, सोच गुण साधु लहे। ओम वैमत्तम सौच धर्मंगाय रघम नृपामिति स्वाहा। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, आज जवाहर खोल सत्यवादी जग में, उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो, आपने पूत सुपास न पेखो, देखो तिहायत पुरुष साचे, को तरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए, ऊंचे सिंहासन बैठ बसुनृप, धर्म का भूपति भया, बच झूठ से ते नरक पहुंचा, स्वर्ग में नरक। ओम ब्रह्मतम सत्य धर्मंगाय अर्घम नृपामिति स्वाहा। काय छहो प्रतिपाल, पंचेन्द्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है, उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव के भाजे घर तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख टाई, ठाही पृथ्वी जले आग मारुत, रूक त्रिश करुणा धरो, सप रसन रसना प्राण नैना, कान मन सब बस करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तुरलो जग बीच में एक घरी मत बिसरो, करो नित आओ जम मुख बीच में। ओम प्रेमोत्तम संयम धर्मंगाय नर्ग पद प्राप्ते अर्घम नृपामिति। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सब, उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैल को पंच बसो अनादिनि गोद मझारा, विकलत्रय पशुधन तारा, धारा मनुज तन महा दुर्लभ, सुफल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भय विषय प्रयोगता, अति महा दुर्लभ त्याग विषय, कषाय जो तप आदरे, नरभव अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलसाधरे। ओम ओम ब्रह्म उत्तम तपो धर्मंगाय नरक पद प्राप्ते अर्घम नृपामिति स्वाहा। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निज राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान सभारे, दोनों
कुजल सम दरब घर में परे नया निज हाथ दीजे साथ लीजे खाया खोया बह गया धन सात शास्त्री अभय दिवैया त्याग राग विरोध को बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाहे बोध को धर्मंगाय नरपद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी किसना भाव ओछे घटती जान घटाई उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो हास तन किसी तन में साले चाहे लगोटी की दुख भाले भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे धन नगन पर तन नगन ठाणे सुर असुर पायन करे धर्मा हित सना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो बहुधन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार ओम ब्रीम उत्तमा किंचन धर्मंगाय नर्क पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा शील बाण नोरा ब्रह्म भावो अंतर लखो उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो सहे बाल वर्षा बहु सूरे पूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे बहु मृतक सन ही मसान माही काग ज्यों चौचे भर संसार में बिस्बैल नारी तज गए जोगेश्वरा ज्ञानत धर्म दस ऐण चढ़ के शिव महल में पग धरा ओम ब्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नरक पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा दस लक्षण बंधो सदा मनवांचित फलदाय करो आरती भारती हम पर हो सहाय हो तम छीमा जहां मन हो अंतर बाहर शत्रु न कोई उत्तम मार्ग विनय प्रकाश नाना भेद ज्ञान पर कासे उत्तम आर जाओ कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगति उपजावे उत्तम सोच लोभ परहारी संतोषी गुण रत्न भंडारी उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले उत्तम संयम पाले ज्ञाता कर ले साता उत्तम तप निर्वांचित पाले सोनर कर शत्रु को ताले उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सुर से सुख होए उत्तम आकिंचन व्रत धारे परम समा दशा बेस्ट।
उत्तम ब्रह्मचर्य मन लाबे, नर सुर सहते मुक्ति फल पावे। शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य दुष्लक्षण धर्माय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामेति। करे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाश, अजर अमर पद को लहे ज्ञानत सुख की राश। आशीर्वाद पुष्पांगलि क्षिपामि। अर्घ ले लो भाई, जलगंध अक्षत पुष्प रत्नत्रय की, रत्नत्रय का अर्घ ले लो। ओम रीम सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चार त्रिभो नमा। अर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपाम ते स्वाहा। सीधा अपन चलते हैं आचार्य महाराज का अर्घ, मुनिश्री का अर्घ, फिर मार्ग। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, यह अर्घ कामना देख सके युग युग तक आगा। ओम हूं षट्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणी श्री विद्या सागर मुनीन्द्राय श्री समय सागर मुनीन्द्राय व अनर्घपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सको ऐसा मुझे अभियान दो। हे सुधा सागर दयालु, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सो पान दो। शीघ्र तर जाओ भवोर यह मुझे वरदान दो। ओम रूम ओम राष्ट्रविंशति मूल गुण संयुक्त इंद्रियापक स्मरण मणि पुंगल श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामति। मैं जल चंदन अक्षत पुष्प चरोक्षत दीप धूप अति फल लावे, तो जाको जानत जो तुम जानत सोनर ज्ञानत सुख पावे। तीर कंकर की ध्वनि कंदर ने सुनी अंग्रेजी चुन ज्ञान, सोच भरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी। ओम रीम श्री जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्य अर्घम निर्वपामिति। जलगंध अक्षत पुष्प चर फल दीप धूपायन धरो ध्यानत करो निर्भय जगत सुजोर कर विनते करो। समेत गण गिरनार चंपा पाव पुर कैलाश तुझो सदा निर्वाण, जो सदा चौबीस दिन निर्वाण निवास कौन। ओम रीम चतुर्विंशति तीर्थंकरं चित्रेभ्योऽर्घं निर्वपामिति। अर्घबली मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चार सौ आचार श्री उपधाय पूजो साध पूजो भाव अरहंत भाषित बैन पूजो द्वाद सांग्र जी गणे पूजो दिगंबर गुरु चरण से भेद सब आसान। भाषित धर्म दस विद्या मैं पूजूं सदा
बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के कृत्रिम कृत्रिम चैत चैला में राज पूजो देश क्षेत्र जल गंगा चत पुष्प चरो दीप धूप फल्ला सर्व पूज पद पूजूं बहुविधि भक्ति बढ़ाए। बोलिए ओम ब्रीम भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री अरंत जी सिद्धि जी आचार्य जी उपाध्याय जी सब साधु जी पंच परमेश्वरभ्यो नमः। प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योगभ्यो नमः। दर्शन सदि सुरस्कारणभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि दस लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रभ्यो नमः। जल के विषय तल के विषय आकाश के विषय गुफा विषय पहाड़ विषय नगर गिरी विषय ऊर्ध लोक मध्य लोक पाताल लोक विषय विराजमान कृतम कृतम जिन चित्ताले जिन बिंदुभ्यो नमः। विदेश चेत विद्वान भी सिद्ध भ्यो नमः। पांच भरत पांच ऐरावत दस छः संबंधी तीस चौबीस के सात सौ बीस जिनेन्द्र भ्यो नमः। नंदीश्वर संबंधी बावन जिन चैचित्याले भ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी अस्सी जिन चित्ताले भ्यो नमः। सम्मेश कर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिर राजगिरी शत्रुंजय तारंगा मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रभ्यो नमः। जैन बद्री मूढ़ बद्री हस्तिनापुर चंदेरी पपौरा अयोध्या चमत्कार जी महावीर जी पदमपुर जी तिजारा आदि अदस्य क्षेत्रभ्यो नमः। श्री चारण रिधिधारी सप्त परम ऋषिभ्यो नमः। ओम नरेम श्रीमंदम भगवंतम कृपाल सिद्धम श्री विश्वादि महावीर परंचतुमंसरी नगरपरम ने माध्यान माध्य जमुद्रे आर्यखंडे मध्य प्रदेश सागर जिलांतर्गत भाग्योदय मासानुवादे फाल्गुन भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षी तिथि पंचम्याम सत्यतौ अद्य दिने मासरे मुनियार्का श्रावक श्राविकाणां सकल कर्म शारदं जलाद्यर्घ्यं नृपाम्ति। शांतिनाथ मुख शशिवन हारे शील गुण अमृत संयम धारे लखन 108 विराजे निरखत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पद धारे सोलह तीर्थ कर सुख कारे इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विटप्पौ पंती वर्षा बुंदु व्यासन वाणी सरसा चवर महामंडल भारी शांति जनेश शांति सुख गाये जगत पूज पूजो सिर नाये परम शांति दीजे हम सबको बड़े तिने पुनि चार संग को पूजे जने गुढ़हार क्रीटला के इंद्राद देवर पूज पदाब जाके सो शांति नाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदा संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को इतनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखे हे जिन शांति को देव हो वे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पे तिलवर्ण रहे व्याधियों का नेशा हो वे चोर नजारे सुसमय बरते हो न दुष्काल मारे सारे ही देश भारे जिन वर्ष को जो सदा सौ कर घात कर्म जिन नाश कर पायो के बंदा करो सब जगत में विश्वादिक जिनरा हाथ जोड़ो चाचुकाओ बढ़न सुख दाला बसक संगति प्रभु तो का सुयस कह रोज ढाको सभी का बोलू प्यारे बचन बीत के आपका रूप ध्याऊ बोलो से तव पद मेरे हे में मामी तेरे पुनि चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद बने अक्षर पद मात्रा से दो से जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ हम बहुत दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊ तव चरण सनमलारी मरण समान सुदलभ कर्मों का जय स्वो सुकारी नमो कार पढ़ लीजिए।
बिन जाने वा जान के रहे टूट जो पोए तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सपूर्ण होए पूजन विद जानु नहीं नहीं जानु आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्र ही ननेनु क्रिया ही जन क्षमा करो राखो मुझे देव चरण के सेव आए जो जो देवगण पूजे भक्त प्रमाण ने तब जापो कृपा कर अपने अपने थान श्री जनवर के आस खा लीजिए शिशड़ाए भव भव के पाद कट दुख दूर हो जाए। प्रदीप भैया एक भैया कह रहा है कि महाराज का अर्ग फिर से चढ़ाओ कह रहे हैं लो अर्ग ले लेना महाराज जी का। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो आम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए भेंट में कुछ ही नहीं लाया आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सो पान दो शीघ्र कर भवो लगी मुझे वरदान दो नाम ही जपता रहूं जीवन कराने के लिए बेट में लाया निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनि इंद्राय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चालू करो महाराज जी वाला। अरे यार भजन जल्दी से ओ सुने कोई भी शिवरात्रि अभी बैठेगा नहीं खड़े हो जाएं भाई खड़े हो जाएं अपनी अपनी देखो टेबल के बीच में बैठने का स्थान है क्या नहीं बैठ पाओगे तो टेबल सब लोग बाहर रख के लाओ अपनी अपनी तो यहाँ बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे टेबल के साथ में नहीं बैठ पाओगे हाँ तो टेबल उठा के बाहर करो कोई भी व्यक्ति बैठेगा ना सभी टेबल उठा के बाहर करो। और शिवराज जी कैसे बैठ गए आप मैं सामान के टेबल बाहर ले जाओ मैं सामान के एक टेबल को चार लोग पकड़ो पांच मिनट के अंदर सारी टेबल बाहर होना है और कुछ लोग ऊपर वॉलंटियर लोग सबको आप लोग कुछ ऊपर आ जाओ यहाँ तक इधर बैठ टेबल ना कोई भी टेबल नहीं रहेगी बैठेगा नहीं जब तक टेबल बाहर नहीं जाएगी वो बैठेगा नहीं वहां के लोग फोल्ड करके ले जाओ जल्दी एकदम देखो अभी यहाँ टेबल नहीं उठाए बच्चे बैठ गए किसी की भी टेबल रहेगी हम बीच में से उठा के सबसे पीछे बैठा लेंगे उसको जिसके पास की टेबल रखी मिलेगी मैं उसको सबसे पीछे बैठा लूंगा या फोल्ड करके टेबल वहीं रख लें अच्छा टेबल यदि नहीं उठा पा रहा तो फोल्ड करके वहीं बिछा लो उसी पे बैठ जाओ फिर टेबल बिछा लो और उसी पे बैठ जाओ टेबल बिछा लो और उसी पे बैठ जाओ द्रव उठा के बीच के उसमें रख दो द्रव की थाली बीच की गैलरी में रख दो और टेबल को फोल्ड करके उसी पे बैठ जाओ और सब लोग आगे आने दो ओ गुणसा सबको आने दो पीछे से 25% जो है पंडाल खाली कर दो पीछे जो वो क्रेन का वो लगा है उसके आगे आ जाओ सब शिवरात्रि तीन गाले पीछे वाले छोड़ दें तीन गाले वॉलंटियर पीछे पहुंचो वॉलंटियर पीछे पहुंचो और सब शिवरात्रियों को आगे करो
25% पंडाल खाली कराओ पीछे से। टेबले वहीं बिछा करके बैठ गए। सुनो जैसा गुरु आदेश मिला है पीछे से 25-30% पंडाल खाली छोड़ना है, क्योंकि सागर की समाज के भक्तों को बैठने का अधिकार दिया है। इसलिए आप लोग जल्दी से आगे आगे खिसक के आ जाओ, फटाफट आगे खिसक के आ जाओ। टेबलों को उठा के नहीं हो तो भाई साइड में कर दो। दो साउंड छोड़ दो। वॉलंटियर पीछे जाके व्यवस्था करो जल्दी। वॉलंटियर सभी पीछे जाएं मंच छोड़ के और पीछे से सबको आगे खिसका दें। पंडाल के बाहर कोई नहीं बैठेगा, शिवरार्थी पंडाल के बाहर कोई भी नहीं रहेगा। जितने शिवरार्थियों ने बाहर बैठ करके पूजन की थी वो जल्दी से अंदर आ जाएं, नहीं तो आपका फोटो खींच करके दोपहर में आपकी पेशी लगवाई जाएगी। पंडाल के बाहर कोई भी शिवरार्थी नहीं, मुझे अभी दिख रहे हैं बाहर, अभी भी शिवरार्थी बाहर नजर आ रहे हैं गुरुदेव को। फटाफट आप लोग अंदर आ जाओ। वॉलेंटियर बाहर शिवरार्थी देखो कितने हैं, उनके नंबर नोट करके लाओ। वॉलेंटियर बाहर पहुंचो, शिविर पंडाल के बाहर कौन शिवरार्थी बैठे हैं। पीछे से 30-35% पंडाल अपन को खाली करना है, आगे खिसक के आ जाओ जल्दी से। सेकंड साउंड बता दो, सेकंड साउंड दूसरा बॉक्स साउंड का, एलईडी के जस्ट बाद जो दूसरा साउंड बॉक्स रखा है। और एलईडी वालों अपनी एलईडी का सिस्टम सुधारो भाई, अभी तक तुम्हारी दो एलईडी सही चालू हुई है, तीसरी कट रही है, चौथी कट रही है, पांचवी छठवीं बंद है। शिवराज ये लोग खिसकाओ इनको। देखो अभी पंडाल के बाहर शिवराज सिंह कितने खड़े हैं, मैंने कितने बार बोल दिया। देखो संत को किसी को भी गुरु को इतनी बार बुलवाना ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। जल्दी से बाहर जो घूम रहे अंदर आ जाओ फटाफट। वॉलंटियर पीछे नहीं पहुंचे अभी तक, वॉलंटियर पीछे जाओ दौड़ के जल्दी से। और जो नहीं आए उसका फोटो नंबर लेके आओ इधर हमारे पास, बैच ग्रुप नंबर। बाहर वाले वॉलंटियर पहुंचे बाहर, बाहर वाले, बाहर के वॉलंटियर बाहर की व्यवस्था संभालें। अभी भी पीछे पांडाल एक सा खाली नहीं हुआ, थोड़ा इधर एलईडी की तरफ घुस जाओ लोग। एक सेकेंड। कुछ वॉलंटियर मेरे साथ पीछे के रास्ते से पीछे चलो, जल्दी आओ मेरे साथ इधर से, अपन पीछे व्यवस्था बनाते हैं। बैग को अपनी गोदी में रखें, बैग को साइड में नहीं अपनी गोदी में बैग रखें और जगह दें। इधर कितनी जगह खाली पड़ी है देखो बीच में, दिनेश जी आप बीच में पहुंचना, देखो कितने खाली पड़ी बीच में। भैया, भैया उधर तो पीछे खाली कर दो।
हेलो मुकेश, ये बाहर वाले पंडाल के साउंड का कनेक्शन करा दे बोल के लड़कों को। इधर रोज प्रवचन होते थे, उसके माइक के सेटिंग का कनेक्शन करवा दे बच्चों को भेज के जल्दी से। एलईडी लगी है लेकिन आवाज नहीं है वहां। पीछे का हिस्सा ग्रस्तों को खाली छोड़ दें। प्रदीप भैया पीछे पहुंच गए। महाराज जी पीछे आ गया मैं गेट पे। हाँ बस पूरा खाली करा के ग्रस्तों को वहां बैठा दो। थोड़े से प्रार्थी और खिसको भैया, इधर उठो जल्दी आओ, इधर आ गया गुरु आ गया, देखो जल्दी खिसको फटाफट। स्थानीय समाज को लाभ दो, तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य बढ़ेगा। जल्दी खिसको फटाफट, जल्दी उठो, उठ के खिसको यार, बच्चों जैसे काम कर रहे हो। उठो आप लोग, उठो, इससे टिको मत, इधर आओ। गुरु का तरफ मुंह करते हैं, पीठ करते हैं, इधर आओ, इधर चलो जल्दी फटाफट। परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ ऐसे रहस्यों को अपने अंदर छुपा के रखती है, उन रहस्यों को जो खोज लेता है उन्हें यह सृष्टि सर्वोच्च स्थान देती है। सृष्टि उन रहस्यों को खोजने का मौका देती है और इन रहस्यमयी सृष्टि के उन अदृश्य शक्तियों को उजागर करना इस सृष्टि के हाथ में नहीं। सृष्टि ने अपने दो रूप किए, पहला रूप शक्ति रूप में और दूसरा व्यक्ति रूप में। शक्ति रूप में जो कार्य है प्रकृति ने अपने हाथ में लिया। प्रत्येक वस्तु की शक्ति प्रकृति से नेचुरल निश्चित की गई है, वो किसी के हाथ में प्रकृति ने नहीं दिया। तुम्हारी कितनी शक्ति है तो प्रकृति ने हमें पहले के दे रखा है और सबको समान दिया। प्रकृति माँ है, सच्ची माँ कभी पक्षपात नहीं करती। जितनी भी जीव राशि है
सभी जीव राशि को शक्ति बराबर प्रकृति ने दी, चाहे भव्य हो अथवा अभव्य हो। शक्ति की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। जितनी शक्ति भव्य के पास है उतनी ही शक्ति अभव्य के पास है। वो भी केवल ज्ञानावरणी कर्म को बंद कर रहा है। भले केवल ज्ञान कभी होगा नहीं, लेकिन आवरण का बंद तो हो ही रहा है। और आवरण का बंद बता रहा है कि केवल ज्ञान की शक्ति उसके पास है, अभव्य के पास। पूरी जीव राशि का मैंने विश्लेषण किया, प्रकृति ने एक अंश भी किसी को कम नहीं दिया। पुद्गल राशि का विश्लेषण किया, पूरी पुद्गल राशि के परमाणु को बराबर शक्ति मिली। धर्म अधर्म और आकाश तो ये एक हैं। कालाणु को भी प्रत्येक कालाणु के पास बराबर शक्ति दी। जो प्रकृति ने अपने हाथ में था वह उसने बराबर बंटवारा कर दिया। लेकिन दूसरा अधिकार जो था उस शक्ति को व्यक्त करने का, वो प्रकृति ने अपने हाथ में नहीं लिया, वो नेचुरल प्रोसेस में नहीं लिया। उस शक्ति की व्यक्ति करने का अधिकार प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्र दे दिया, तुम चाहो जैसा प्रकट करो। वो प्रकृति के हाथ में नहीं। हमें कितनी शक्ति प्रकट करना है वो मेरे हाथ में, हमारे सबके हाथ में। कितनी शक्ति परमाणु को प्रकट करना है वो परमाणु के पर्याय के आश्रित है। अपन जीव राशि को लेकर चलते हैं। सब में केवल ज्ञान की शक्ति है, सब में सिद्धत्व की शक्ति है, सब मंगल स्वरूप है, लेकिन शक्ति है। अब व्यक्ति करना है तो वो हमें खुद करना पड़ेगा। और हम कितनी व्यक्ति कर पाते हैं इसका निर्णय हमें खुद करना है। अब इसके निर्णय करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक, हमें सोचना है कि जितनी शक्ति हमें माँ ने दी है पूर्ण शक्ति को हम उद्घाटित कर सकें। जिससे अधिक व्यक्त की ही नहीं जा सकती, ऐसी दशा को पहुंचने के लिए है। ऐसा है कुछ जीव ऐसे, जितनी माँ ने शक्ति दी थी पूरी योग्यता को प्रकट करके चरम सीमा पर पहुंच जाते, उन्हीं का नाम भगवान है, उन्हीं का नाम सिद्ध परमेष्ठी है, उन्हीं का नाम है कृत कृत्य जिनको कहते हैं। जितनी व्यक्ति कर सकते थे संपूर्ण कर ली, अब कुछ उनको करने लायक रहे ही नहीं, उनको कृत कृत्य बोलते हैं, सब कुछ कर लिया। फिर सभी लोगों ने क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं से हमारी चूक रही है, प्रकृति की चूक नहीं। हमने कोई ऐसा अपराध कर डाला जो हम उस योग्यता से वंचित हो गए कि हम व्यक्त कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिणति, ऐसी भूल हुई कि व्यक्त करने के लिए पांच चीजों की जरूरत होती थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। ये पंच समवाय जो हैं, ये पांच निमित्त जो हैं, ये निमित्त यदि हमारे पांचों जिस दिन मिल जाएंगे, जिस दिन एक पॉइंट पे आ जाएंगे, जैसा द्रव्य चाहिए वैसा द्रव्य हो, जैसा क्षेत्र चाहिए वैसा क्षेत्र हो, जैसा काल चाहिए वैसा काल हो, जैसा भाव चाहिए वैसा भाव हो, जैसा भाव चाहिए वैसे भाव हो, तो अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। भुजवर कुंदन समंतबद्ध महाराज ने कितनी बड़ी घोषणा कर दी, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम। भवितव्यता क्या है? नियतवाद क्या है? भुजवर अकलंग स्वामी महाराज ने नियत की बहुत अच्छी परिभाषा दी।
नी निश्चयेन यत्नम, जिस कार्य का जो कार्य जिस कारण से होता है वह उसी कारण से होगा, यह नाम नियत का अर्थ है। कालवाची नहीं, आंख देखती है तो आंख ही, कान सुनता है तो कान ही, रत्नत्रय से ही मोक्ष है तो रत्नत्रय से ही, ये नियत का कारण को नियत किया, और जब कारण नियत है तो कार्य नियत होगा ही होगा। और इसी बात को लेकर पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कहा, अलंग शक्ति, कोई दुनिया की ताकत हमारे कार्य में विघ्न नहीं डाल सकती, हमारे कार्य को रोक नहीं सकती। हे तो दया विस्कृत कार्य लिंग, कार्य लिंग, कार्य की पहचान क्या है? हे तो दया बाहे तरोपादि समग्रते यम कार्य सुति द्रव्य गत स्वभाव, कार्य गत स्वभाव। जब जब कार्य होगा नियम से दो हेतुओं की उपलब्धि अनिवार्य है, एक निमित्त हेतु और एक उपादान हेतु। दोनों की यदि एक साथ समिष्टि बैठ जाए तो अलंग शक्ति, कोई नहीं रोक सकता। बस अपनी भूल यही हो रही है, जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते, और दांत होते हैं जब चने। जहां से निकलने का एक अंधा व्यक्ति पूरे एक हाल में घूम रहा है बाहर निकलने को, वो दीवार का सहारा लेके चलता रहता है, और जहां दरवाजा आता है वहीं उसको खुली चल जाती है, और जब तक आगे बढ़ता है दरवाजा गायब हो जाता है। निकलने के दरवाजे पर खुजली चल जाती है, और जहां दरवाजा नहीं है वहां हाथ से स्पर्श करते हुए चलता है। ये सब हमारे और आपकी दुर्दशा है, हम अंधे हैं ये तो पक्का है। संसारी व्यक्ति के पास कभी आंख हो ही नहीं सकती, जिन चक्षुओं से वो परमार्थ दिखता है, जिन चक्षुओं से वो परमार्थ की दृष्टि दिखती है, स्वरूप दिखता है, वो संसारी प्राणी के पास वो आंख हो ही नहीं सकती। जब तक तुम छद्मस्थ हो अंधे ही रहोगे, अंधे ही रहोगे। कोई भी दुनिया का व्यक्ति तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो भी संसार अवस्था में छद्मस्थ अवस्था में अंधे ही हैं, क्योंकि उनको अरूपी दृश्य दिखते नहीं है। अंधापना संसार का स्वभाव है। अब अंधा व्यक्ति पार कैसे हो? तो अंधा व्यक्ति टटोल के चलता है, दीवार का सहारा लेकर चलता जाता है, चलता जाता है, लेकिन जहां पर गेट था वहीं पर उसको खुजली चल जाती है, क्योंकि हवा आ रही है ना वहां, और जहां से उसको गेट से निकलना था वहीं उसको खुजली चलती है। गति तो निरंतर बंधी हुई थी, और पुनः घूम जाता है, पंच परावर्तन कर लेता है। उन अंधों में हम और आप सभी हैं आज तक। कुछ महामना ऐसे होते हैं कि जो दरवाजे आते ही सावधान हो जाते हैं, उनको मालूम हो जाता है ज्ञान में दरवाजा कहाँ है, उनको परिचित हो जाता है। कभी गुरुओं के द्वारा आवाज सुन लेते हैं कि दरवाजे के यहाँ हवा तेज होती है, उस समय व्यक्ति को संभलना जरूरी है, और उस समय यदि व्यक्ति संभल गया वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और वो दरवाजा है जब तीव्र पुण्य का उदय हो, पाप कर्म के उदय में कभी भी वो दरवाजा नहीं मिलेगा। जब तक पाप कर्म का उदय है उस मकान की दीवारें इतनी बढ़ जाएंगी कि दरवाजे तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। जिंदगी की शाम हो जाएगी लेकिन तुम दरवाजे तक नहीं पहुंच पाओगे, पाप कर्म का उदय होता है। जिस समय तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो वो पुण्यात्मा जीव दरवाजे पर आता है, लेकिन पुण्य इतना खतरनाक है, जैसे ही पुण्य बढ़ता है तैसे उसको पंच इंद्रियों की खुजली चलना चालू हो जाता है।
तैसे उनका मन विकृत हो जाता है, पुण्य के उदय में, पाप के उदय में नहीं। पाप का उदय रहता है उस समय व्यक्ति अपने परिणामों को बहुत धर्म में रखता है, लेकिन वहां दरवाजा नहीं। जहां जहां तीव्र पाप कर्म के उदय हैं, वहां निकलने के दरवाजे नहीं हैं, और जहां तीव्र पुण्य कर्म का उदय है वहीं दरवाजा है, और पुण्य के उदय में ही व्यक्ति काफिल हो जाता है। कनक कनक ते सौ गुनी माधकता अधिकाय, यह खाय बोरात है वह पाए बोरा। पुण्य का उदय आते ही जैसे वैभव मिलता है वो डूब जाता है। बिरले लोग हैं जो पुण्य को ठुकरा देते हैं। पाप को ठुकराना कोई बड़ी चीज नहीं है, पुण्य को ठुकराना बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम्हें पुण्य को ठुकराने की बात पड़ जाए, पता चल जाए, समझ लेना तुम धर्म की श्रेणी में आना शुरू हो गया। पुण्य को भोगने का भाव आता है, पुण्य को ठुकराने का भाव नहीं आता। रिपीट कर रहा हूं, पुण्य के उदय को भोगने का भाव आता है, ठुकराने का भाव नहीं आता। और ये 10 लाख क्षण पर्व हैं, त्योहार नहीं। त्योहार धर्मात्मा बनाता है और परम धर्म बनाता है। जितने त्योहार बनते हैं वे किसी धर्मात्मा से जुड़े हुए होते, इंडिविजुअल होते, व्यक्तिगत होते। एक व्यक्ति के जीवन की घटना बनती है, और जब जब धर्मात्मा किसी कार्य में सफल होगा उसका जश्न मनाया जाता है। जश्न मनाया जाता है, दिवाली, भगवान को निर्माण हुआ, एक व्यक्तिगत घटना थी। दिवाली पर्व नहीं बन पाई, दिवाली पर्व नहीं बन पाई, क्योंकि दिवाली धर्मात्मा ने बनाई थी। एक धर्मात्मा की खुशी थी, एक व्यक्तिगत खुशी थी, इसलिए वो पर्व नहीं बन पाई, वो त्योहार बन गया। जश्न, दीप मालिका जलाओ, जश्न मनाओ, स्वर्ग के देवता आ गए, दिवाली मनाओ, क्योंकि वो धर्मात्मा के द्वारा बनाई। त्योहार कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति बनाता है, त्योहार किसी अच्छे व्यक्ति के पीछे चलता है, त्योहार एक अच्छे व्यक्ति की व्यक्तिगत घटना से उत्पन्न होता है। जितने भी त्योहार हैं आप देखना, सब किसी ना किसी व्यक्ति की घटना से जुड़े हुए, और जब किसी घटना से जुड़ा हुआ होगा तो उसके फॉलोवर उसका जश्न मनाएंगे, उसके फॉलोवर उसका जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। भगवान को निर्माण हुआ, सारे भक्तों ने जश्न मनाया, दिवाली मनाई। उस दिन तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का भाव आएगा, अच्छा खाने का भाव आएगा, मिठाइयाँ बांटने का भाव आएगा, मकान को भी सजाने का भाव आएगा, डेकोरेशन का भाव आएगा, क्योंकि वो दिन किसी धर्मात्मा के द्वारा बनाया गया था। धर्मात्मा अच्छा व्यक्ति जब भी बनाएगा वो त्योहार होगा, और त्योहार में जश्न मनता है। जितना मना सको, रक्षाबंधन एक इंडिविजुअल घटना थी 700 मुनियों की, एक इंडिविजुअल घटना थी विष्णु कुमार महाराज की, त्योहार का रूप हो गया। एक धर्मात्माओं के कारण बनी, त्योहार बन गया, धर्मात्मा सफल हुआ, 700 मुनियों का अवसर दूर हुआ। विष्णु कुमार महाराज ने अपनी सफलता प्राप्त की, भक्तों ने जश्न मना दिया। रक्षाबंधन एक जश्न है। रक्षाबंधन के दिन आपको खुशियां होती हैं, आप लाइटिंग करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर में खाना भी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि धर्मात्मा ने बनाया, क्योंकि धर्मात्मा के पीछे धर्मात्मा का भक्त होता है। ऐसा कोई दुनिया में धर्मात्मा नहीं है जिसका कोई ना कोई भक्त ना होता हो, क्योंकि धर्मात्मा हमेशा 8 अंगों से सहित होता है, उसमें एक प्रभावना अंग होता है, सम्यक दृष्टि, निसंकेत आदि 8 अंगों का धारी होता है। 8 अंग जिसके पास हैं, नियम से वो अकेला रह ही नहीं सकता, उसका कोई ना कोई मानने वाला जरूर हो, क्योंकि उसने वहन किया है। कहाँ से शुरू होता है? निसंकेत,
निकांक्षित निर्विचिकित्सा यहाँ से शुरू नहीं, अंत के जो चार अंग हैं वो भक्त बनाता है। यदि तुम्हें भक्त बनाना है, अपने मोटिवेशन फॉलोवर बनाना है, अपने अपने मित्र बनाना है, अपने मेरी बात को मानने वाले तुम्हारे लिए समर बनाना है, फॉलोवर बनाना है, तो सम्यक दर्शन के चार अंग ऐसे हैं जो तुम्हें भक्त बना देंगे। कोई व्यक्ति ठोकर खा ले, कुछ भी हो जाए, कुछ गलत हो जाए, उसको तुम थोड़ा सहारा दे देना, क्रोध नहीं करना, आपे से बाहर नहीं होना। अक्सर कर कोई गलती करने पर व्यक्ति क्रोध करता है, और तुम क्रोध ना करके उसको गले लगा लेना, गले लगा लेना, वो आपका फॉलोअर बन जाएगा। फॉलोवर बनाने के तरीके बहुत समंतवेद महाराज बहुत गजब के महाराज थे। क्या शोध किया उन्होंने, कुंद कुंद के भगवान के जो आठ अंग हैं वो फॉलोवर नहीं बनाते। वो तो कहते हैं अपने रत्न तरह से प्यार करो, खुद के धर्म से प्यार करो, खुद का उपगुहन करो, खुद का उपगुहन करो, खुद का स्थितिकरण करो, अपने परिणामों को संभाल के रखो, और खुद के रत्न से वात्सल्य रखो, और खुद की प्रभावना करो। खुद की प्रभावना कर, अपना शुद्ध रत्न पर। लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जो खोजा, उन्होंने कहा दुनिया में तुम्हें रहना है तो अकेले मत रहना। इस दुनिया में कोई अकेला नहीं रह सकता, धर्मात्मा भी क्यों ना हो। धर्मात्मा यदि बनना है तो कभी अकेले नहीं रहना। उसके लिए उन्होंने चार अंग कहे। पहला अंग उन्होंने कहा उपगुहन अंग, देखना। बहुत बड़ा उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं, कैसे लोग दुश्मन बन जाते हैं, कैसे घरों में फूट डल जाती है, दो घरों में फूट डल जाती है, कैसे सास बहू में लड़ाई हो जाती है, कैसे होती, उसका रहस्य सुनना। एक परिवार में पड़ोसी से लड़ाई हो तो बात अलग है, एक घर में एक साथ लड़ रहे, भाई भाई लड़ रहा है, सास बहू लड़ रही है, भाई बहन लड़ रहे हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार से लड़ रहा है, मियां बीवी लड़ रहे हैं। लो मैं सारे, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। क्षमा धर्म का यह अर्थ नहीं है कि क्षमा मांग लेना, कहीं भी नहीं लिखी क्षमा मांगने का नाम क्षमा धर्म है। क्षमा मांगना प्राश्चित है, वो तप है, क्षमा मांगना प्रतिक्रमण है, क्षमा धर्म नहीं है। क्षमा मांगना धर्म नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, गलती हो जाने पर क्षमा मांगना धर्म नहीं है, प्राश्चित है। क्षमा मांगते समय क्रोध आ ही गई नहीं, क्योंकि गलती हो गई ना, गलती करने वाला क्रोध ही नहीं होता, वो बहुत शांत था, कितने का विश्रम होता है, क्योंकि उसे मालूम है गलती तो मेरे से हो गई, उसको क्रोध आता ही नहीं। गलती होने पर कभी क्रोध नहीं आता, बल्कि शांत हो जाता है। जब आपसे कोई गलती हो जाए, आपका बड़ा कोई डांटे तो ऐसी आते ही नहीं। 99 का 100% जब जब तुमसे गलती हुई तो गलती होने के बाद क्रोध आता है कि शांत चुपचाप बैठते हो, शांत आते ही नहीं क्रोध, इसलिए वो क्षमा धर्म है ही नहीं। लोग क्षमा को समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्षमा वाणी भली होगी लेकिन क्षमा धर्म नहीं हो सकता। क्षमा मांगना ये प्राश्चित है, पश्चाताप है, प्रतिक्रमण है। भैया क्षमा करना, मुझे खेद है, मुझे खेद है मैंने गलती की है, ये तो प्रतिक्रमण हो गया। मुझे पश्चाताप है अपनी गलती पर, क्षमा करना ये तो प्राश्चित हो गया, तप हो गया। क्षमा का अर्थ होता है दूसरे से गलती हुई है और फिर क्रोध ना आवे, उसका नाम क्षमा है, उसका नाम क्षमा। वो गलती पे गलती कर रहा है,
और तुम्हें क्रोध नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई सामने वाला गलती करे और क्रोध ना आवे, बहुत कठिन है। और वो गलती तुम्हारे पीछे करे और फिर क्रोध ना आवे, पहले तो जनरली कोई गलती करे तो गुस्सा, देखो ये गलत कर रहा है, देखो ये गलत कर रहा है, देखो ये अनुशासनहीनता कर रहा है, देखो तुम्हारे से कुछ नहीं कर रहा, वो स्वयं गलती कर रहा है, तो भी अनजाने व्यक्ति को भी क्रोध आ जाता है कि ये गलत कर रहा है। और अपने प्रति कोई गलत करे तब तो क्रोध आए बिना रहता ही नहीं है। क्षमा धर्म क्रोध का विरोधी है। किस किस कार्यों में क्रोध आता है? गलती करने पर क्रोध आता है? नहीं, गलती करने के बाद व्यक्ति शांत होता है। क्षमा मांगते समय कभी किसी को क्रोध नहीं आया। क्षमा करना कठिन है, बहुत कठिन है क्षमा करना, क्षमा कर देना बहुत कठिन हो जाता है। दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर, आहा क्या बात कही, दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर, स्वयं दुर्जन नहीं, जो दुर्जन है क्रूर है वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, उस समय क्रोध प्रकट ना हो तब क्षमा धर्म आता है। क्रोध धर्म प्रकट नहीं होना चाहिए और क्षमा करो बहुत कठिन महानुभाव। क्षमा मांगना सरल है, जिसने तुम्हारे साथ अपराध किए हैं, तुम्हें परेशान किया है, उसको क्षमा कर देना बहुत बड़ी बात है। जो अपराधी को क्षमा कर देता है उसी का नाम पारसनाथ होता है। पारसनाथ के पास क्षमा धर्म था क्योंकि उन्होंने क्षमा की है, क्षमा किया है। कमठ ने इतना बड़ा अपराध किया, मैं कह नहीं पाऊंगा इतना जघन्यतम अपराध किया, पारस पुराण में कर लेना। उसके भाई ने इतना जघन्यतम अपराध किया, संसार का कोई भी व्यक्ति कभी माफ नहीं कर सकता, इतना जघन्यतम अपराध किया था कमठ के जीव ने, वायुभूति ने, अग्निभूति ने, इतना जघन्यतम अपराध। कितना भी सज्जन हो उस अपराध को तो माफ नहीं करेगा, वो अपराध ही अक्षम्य था। सब कुछ मिटा दिया, घर मिटा दिया, घर का स्त्री मिटा दिया, घर का स्वरूप मिटा दिया, इतना निंद्रिय भर काम कर दिया कि जिसको मुंह से कहने में भी लज्जा आती है। इतना निकृष्ट कार्य करने के बाद भी पारसनाथ ने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दी, 12 मन की शिला पटक दी, क्षमा कर दिया, अजगर बनकर खा गया, क्षमा कर दिया, अजगर बन के खा गया, क्षमा कर दिया, कमठ बन करके आ गया, शिलाएं बरसा रहा है, क्षमा कर दिया। चाहते तो पारसनाथ एक भ्रकुटी चढ़ा देते, कमठ कीलित हो जाते, कुछ नहीं कर देता, क्षमा कर दिया। यह है उत्तम क्षमा धर्म। सीता की कोई गलती नहीं थी, सीता रावण के पास क्षमा मांगने पहुंच गई, जैन दर्शन के अनुसार। अरे भाई सीता की क्या गलती, बिचारी की क्या गलती की है सीता ने? कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कह सकता है कि सीता की कोई गलती थी। हर व्यक्ति किसको कहता है? रावण की गलती थी, रावण की गलती थी, रावण खुद कहता है। जिस कथानक के अनुसार सीता, हालांकि सिद्धांत के अनुसार घटित नहीं होता, फिर भी अपन शिक्षा ले लें, रावण से जब क्षमा मांगती है सीता का जीव, तो रावण कहता है कि तुम्हारी क्या गलती है इसमें, सारी गलती तो मेरी है। तब सीता कहती है तुम्हारी गलती है, उसी गलती को जो क्षमा करने का भाव मुझे आया है कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी खुद की गलती है, ना मैं इतनी रूपवान होती, ना तुम्हारे परिणाम बिगड़ते, कैसी आत्माएं। सीता को अपनी गलती दिख गई,
रावण से क्षमा मांगने की बात आ गई, अपराधी क्षमा रावण है उसको क्षमा करने की बात, इसको बोलते हैं क्षमा धर्म। कब कब आपके लिए किसी ने गलती की है, आप लोग भी अपने क्षमा धर्म को आज संभालें। क्षमा मांगने वाले तो हमने बहुत देखे हैं, दो मिनट में क्षमा मांगते हैं, क्योंकि क्षमा मांगने से मामला निपट जाता, बच जाओगे, क्योंकि गलती तो तुम्हारी है ही, यदि गलती है तुम्हारी तुम क्षमा नहीं मांगोगे तो आगे और उलझोगे, कोर्ट केस हो जाएगा। तो गलती करने वाला बहुत बदमाश होता है, गलती करने वाले की सबसे बड़ी बदमाशी है कि वो जल्दी क्षमा मांग लेता है, क्योंकि गलती मेरे से हुई। बहादुर वो है, बहादुर वो है जो सामने वाले ने गलती की है और उसे जितने जल्दी क्षमा कर दे उतना ही क्षमा धर्म प्रकट हो। पूजा में तुमने क्या पढ़ा, तुम्हारी पूजा सुनता हूं तो क्षमा धर्म टपकता है। पूरी क्षमा वाणी की पूजा में कहीं भी क्षमा नहीं मांगी गई, मेरे से गलती हो गई हो तो क्षमा मांग लो, उसमें मैंने पूजा तुम्हारी सुनी है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि गलती होने पर क्षमा मांगो, ये क्षमा धर्म है ही नहीं। गलती होने पर क्षमा मांगना क्षमा धर्म है ही नहीं, ये तो प्रायश्चित है, तप है। क्षमा धर्म क्या है, गाली सुन मन, गाली गाली कौन दे रहा है, सामने वाला उस पर तुम्हें खेद ना आनो, गुण को ओ गुण कहिए अयानो, है तो ये शब्दांग पीछे हो सकते हैं, गुण को अवगुण कहिए अयानो, कहिए अयानो बांध मार वर किस सिर गए, ऐसा है बैर, कहिए अयानो मारा है बांधा है, ऐसे ऐसे तेरी दुशा के घर ते निकारे तन बिदारे, ऐसे शब्द ऐसे कहते थे जैसे बिल्कुल, घरते निकारे तन बिदारे, आगे आप पढ़ लेना, भाव पक्ष में बता देता हूँ, पूजा की किताब हो तो ला के दे दो, मैं एक एक समझा दूँ। क्षमा धर्म की परिभाषा, बहुत बड़ी महानुभाव, इनको अपन ने बहुत छोटा कर दिया है, भैया हमसे गलती हो गई तो क्षमा करियो, अरे काय के क्षमा करियो, तुम क्षमा कर देने की बात सोचो तो बात बने, कहिए यानो वस्तु छीनी बांध मार बहु विध करें, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहिए यानो, गाली सुनने के बाद, गाली देने के बाद नहीं, गाली देने के बाद खेद होना कोई बड़ी चीज नहीं है, गाली देने के बाद पश्चाताप होना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सामने वाला गाली तो दे दिया वो मुझे निपटाएगा, तो गलती करने वाला हमेशा समझौते की चाह करता है, गलती करने वाला समझौते की बात देखता है जल्दी समझौता हो जाए, लेकिन जिसकी गलती हो और जिसकी गलती ना हो, जिसकी गलती ना हो वो जल्दी समझौता करेगा, मेरी कोई गलती नहीं समझौता क्यों करूं, आ जाओ निपट लो, धर्म वो है। तुम्हारी गलती नहीं है सामने वाले की गलती है, क्या तुम्हारे मन में समझौता का भाव आ रहा है, रिपीट करूं, गलती हमारी है, सब लोग अपनी अपनी तरफ देखें, गलती तुम्हारी है तो बोलो समझौता का भाव आ सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी गलती है इसे समझौता हो जाए तो अच्छा है, लेकिन सामने वाले की गलती हो तुम्हारी बिल्कुल गलती ना हो फिर समझौता का भाव आता है, नहीं अखंड का भाव आता है, क्यों करूं अपनी तो कोई गलती, क्षमा धर्म वहां प्रकट होता है जहां बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं, किंचित मात्र भी गलती नहीं, और सामने वाला गलती पर गलती करता जा रहा है और तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मैं इसको, कहिए अयानो बांध मार बहु विध करें, बांध के बांध दिया उसने, मार रहा है बहुविध करें, और भी तरीके, घर ते निकारें तन बिदारें,
बैर जो ना लहे, घर से निकाल दिया, बैर बन सब कुछ किया, फिर भी बैर नहीं साधा। सुबह राजगद्दी मिलना है, देखो तो सही कैसे बैरी, कैसे बन गए ये जगत के राम, कैसे बन गए ये मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे इनका दुनिया मुंह में नाम लेती है, धन मानती है, कैसे बन गए तीर्थंकर ना होकर के भी तीर्थंकर से अधिक मान्यता। हर संप्रदाय में मैंने देखा, किसी भी संप्रदाय का इतना शास्त्र नहीं लिखे गए जितने रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए। भारत का हर संप्रदाय रामचंद्र जी को जानता है, 24 तीर्थंकरों को जैनी जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव जानते हैं, ईसा को ईसाई जानते हैं, मानते हैं, ईसा को ईसाई जानते हैं वो मानते हैं, अल्लाह को मुस्लिम मानते हैं जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव जानते हैं मानते हैं, 24 तीर्थंकरों को जैनी जानते हैं और मानते हैं। लेकिन राम एक ऐसी महाशक्ति हुई कि श्री राम को सारा जगत मानता है, सारा जगत जैनी माने, हिंदू माने, क्रिश्चियन सब मानते, भारतीय दर्शनों की बात कर रहा हूं। क्या ऐसी विशेषता, तीर्थंकर है नहीं, एक रामचंद्र जी बलभद्र ही तो थे, और आज बलभद्र और हुए जो बराबरी के, उनको कोई नहीं माने, नाम चले आज नहीं, मुझे नाम नहीं है, कुछ मत लेना मेरे, आज बलभद्र के नाम हुआ मुझे याद नहीं, दो तीन के नाम याद है, बोलते नो है, उनका नाम ही याद नहीं, वो भी बराबर वाले बलभद्र थे, बराबर शक्ति वाले थे। क्या विशेषता, क्या विशेषता थी दशरथ नंदन में, जैसे हमने एक दिन कहा था 24 तीर्थंकर सब बराबर हो गए हैं, ऐसी क्या हो गई कि पारसनाथ संकट मोचक बन गए, ऐसी क्या विशेषता आ गई, पूरे आचार्य पूरे तीर्थंकरों के 10 भाव जब पढ़े हमें कोई विशेषता नहीं मिली, मात्र एक विशेषता मिली कि जो स्वयं संकट सहन करते रहे फिर भी संकट देने के बाद वाले पर क्रोध नहीं किया, ये चमत्कार है। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने क्या विशेषता थी, बलभद्र थे, हलधर थे, सब बराबर है, क्या विशेषता, कैसे पूछ गए। वो दिन था आज का, क्षमा मांगने वाला नहीं, क्षमा करने वाला। इतना बड़ा अन्यायी, इतना बड़ा अन्यायी, राजगद्दी के अधिकारी थे श्री राम, किस्मत में लिखा के आए थे श्री राम, ज्येष्ठ पुत्र थे, किस्मत में रजिस्ट्रेशन होके आया था कि राजगद्दी राजतंत्र में राजगद्दी ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है, पूर्व भाव से लिखा के आए थे, और सब तरफ से योग्य थे, पिताजी राजगद्दी देने वाले थे, प्रजा भी राजगद्दी रामचंद्र जी के पक्ष में थे, यदि रामचंद्र जी की अदालत बैठती तो बोलो रामचंद्र जी जीतते के हारते, सारी प्रजा उनके पक्ष में, कानून उनके पक्ष में, हम साधु संत भी उनके पक्ष में, दुनिया का एक व्यक्ति उनके विरोध में नहीं होता, थोड़ा सा कोर्ट केस कर देते रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता, और कोर्ट केस की जरूरत ही नहीं थी, सीधा कह देते नहीं जाते, देख कर लो क्या करना है, नहीं जाते वनवास, करो क्या करना, कौन है, आ जाए माई का लाल सामने, मुझे राजगद्दी से कर राज तिलक से कौन रोकता है, किसी की हिम्मत नहीं थी जो आ जाए। लखन भैया ने तो कह दिया था, भैया कल राजगद्दी का राज्याभिषेक होके रहेगा, देखता हूं किस माई के लाल में है मेरे भाई का राज तिलक रोकने का। ये पंक्तियां ऐसे ही नहीं लिखी गई, राजगद्दी को घर से निकाले, कैसा निकाला, निकालने का तरीका बहुत कठोर था, दोनों दर्शनों में, वैष्णव दर्शन में जाने, इतना कठोर, इतना कठोर,
कि राजकुमार थे, अरे कोई घर से निकालता है तो कुछ तो हिस्सा देता है, अरे घर से निकालता है राजकुमार थे दो चार नौकर तो दे देते, कम से कम एक सेना की बटालियन दे देते। वैष्णव दर्शन में तो और गजब हाल किया, एक बटालियन नहीं, अरे राजकुमार थे जंगल में कुछ हो जाए तो कोई सैनिक नहीं, राज की वस्त्र उतरवा लिए गए, राज की वेशभूषा उतरवा ली गई, कुछ भी नहीं। यहां तक नहीं सोचा गया, अरे राज रघुवंश की वधु जा रही है सीता, एक साड़ी पर निकाल दिया, नारी है कल नहाने के बाद साड़ी क्या बदलेगी, वो भी नहीं, एक साड़ी पर निकाल दिया जिसकी पत्नी को, उसको खुद बिना काम के, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब वनवास जाने लगे तो कौशल्या के पैर नहीं पड़े, कैकेयी के पैर पड़ने गए। ओहो, बोले रे क्षमा धर्म की, सर्वनाश करने वाली, रंग में भंग डालने वाली। रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, पहले मैं कैकेयी माँ के पैर पड़ने, माँ बोलते हैं, माँ हुई के बैरन हुई, माँ कहते पैर पड़ने गए। लक्ष्मण कहते भैया तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं, बोले मेरा बिल्कुल सही दिमाग ठीक है, वो मेरी माँ थी है और पैर पड़ने चले गए। माँ आशीर्वाद दो, आपकी भावनाओं के अनुसार मैं खड़ा हूं। कौशल्या के बाद में पैर पड़े, पहले कैकेयी के पैर पड़े। एक बहुत सुंदर कथानक उनका आता है, थोड़ा भी क्रोध तो थोड़ा तो आना चाहिए था, ऊपर से दिखावटी आना चाहिए थे, अरे ऊपर से ना सही, अंदर से तो ऊपर से भली दिखाने के लिए क्षमता रख रहे हो, लेकिन अंदर से तो आग लगना चाहिए थी, नहीं लक्ष्मण को लगी थी। जब वनवास में एक बार लक्ष्मण एक ऋषि के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मण ने कहा भैया आज मजा आ गया, ऐसा प्रवचन सुना, आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। रामचंद्र इसी का इंतजार कर रहे, लक्ष्मण तुझे अच्छा लगा? बोलो बहुत अच्छा लगा भैया, मालूम है आज का दिन किसके कारण मिला? ये कैकेयी माँ के कारण मिला। नहीं, क्या ना वो वनवास भेजती और ना ये दिन देखने को, वहां राजनीति में पड़े रहते अपन, देखो अपन राजनीति से दूर होकर के क्या धर्म ध्यान कर रहे हैं, कितने धर्म ध्यान की बातें कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे साधु मिल रहे हैं, वहां देखो अंदर की क्षमा। तीसरा प्रसंग देखो, यदि कर सको तो करना, जिसने तुम्हारा सर्वनाश किया हो उसके नाश करने का भाव नहीं करना, शिक्षा देने का भाव करना हो तो अलग चीज है। एक किसान बैल को दंडित करता है अनुशासन रखने का, एक माँ बेटे को डंडा मारती है अनुशासन करने का, कभी शिक्षा देने के लिए उसको दंडित करना पड़े तो उसकी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर से बैर भाव मत रखना, अंदर से बैर भाव नहीं रखना, बाहर से क्या सोचना कि नहीं इसको दंडित तो करना है, नहीं तो इसका कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रसंग आया वैष्णव दर्शन में, जब दशरथ ने उनका परित्याग कर दिया था कैकेयी का, राम लक्ष्मण मैं कैकेयी का परित्याग करता हूं, तो एक प्रसंग आया जब वनवास में रामचंद्र जी ने एक ऐसा कार्य किया तो उनके पिता वैष्णव दर्शन के अनुसार स्वर्ग से आते हैं और कहते राम मैं तुम्हारी महानता से प्रसन्न हूं, मांग लो क्या मांगना है, बोलो क्या चाहते हो मांगो। गजब महानुभाव, गजब 8-10 श्लोकों में वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने इस बात का, क्या मांगा रामचंद्र ने, बोले पिताश्री यदि आप हमारे पास से प्रसन्न हुए हैं तो जो आप मेरी माता कैकेयी से नाराज हैं
वो नाराजगी दूर करके परित्याग का परचम वापस ले लीजिए। मैं माँ का उद्धार चाहता। उस समय सारा ब्रह्मांड काम जाता है, सारे स्वर्गीय देवता कहते हैं हम धन्य है राम, तुमने मांगा तो किसके लिए मांगा? अपने लिए नहीं मांगा, अपनी पत्नी पर संकट आया उसके लिए नहीं मांगा, अपना राज्य नहीं मांगा, और मांगा तो कैकेयी के लिए मांगा कि उसका जो तुमने परित्याग किया है उस वचन को वापस ले लीजिए। ये है उत्तम क्षमा धर्म की परिभाषा। उत्तम क्षमा धर्म जब प्रकट होता है, जब हमारे मन में ऐसा परिणाम आ जाए, ऐसे परिणाम, और वो जो मैंने कहे थे कि चार अंगों के माध्यम से प्रकट होता है। यदि तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो, और धर्मात्मा जब बनोगे तो नियम से फॉलोवर बनेगा ही बनेगा। जिस धर्मात्मा का कोई फॉलोवर नहीं वो धर्मात्मा भी नहीं, क्योंकि वो सम्यक दर्शन से रहित है। रहित ना सही लेकिन विकलांग है। प्रभावना अंग का अर्थ ही है तुम धर्मात्मा हो कि नहीं, तुम्हारा धर्म है कि नहीं, क्या तुमने कोई ऐसा धर्म पाला है जिसे देख करके किसी को धर्म करने का भाव आया हो? तुम्हारा धर्म, तुम मुनि बने हो, क्या तुम्हारी मुनिचर्या को देखकर किसी को मुनि का भाव आया? तुम ब्रह्मचारी बने हो, क्या तुम्हारी चर्या देखकर किसी को ब्रह्मचारी बनने का भाव आया? तुम वृत्ति बने हो, क्या तुम्हारे वृत्तिपना देखकर किसी को वृत्ति बनने का भाव आया? तुम दानी बने हो, तुम्हारे दान को देखकर किसी को दान देने का भाव आया? तुम पूजा करते हो, तुम्हारी पूजा देख करके क्या किसी को पूजा का भाव आया? तुम अभिषेक करते हो, किसी को अभिषेक करने का भाव आया? तुम रात्रि भोजन त्यागी हो, क्या तुम्हारे त्याग को देखकर किसी ने रात्रि भोजन त्याग का भाव किया? यदि ऐसा नहीं किया है तो आपका सम्यक दर्शन विकलांग है। प्रभावना का अर्थ यही है, जो तुमने किया है उससे दूसरा भी प्रभावित है कि नहीं। किसी भी अच्छे कार्य की कसौटी है, क्या तुमने अच्छा कार्य किया है इसका प्रमाण पत्र दो। क्या तुम्हारे अच्छे कार्य को कोई अनुकरण करना चाहता है? क्या दूसरा भी करा है? हाँ, ये श्रेष्ठ कार्य है, मैं भी यही चाहता हूं। अपने जीवन में हर चीज में अच्छा करना। और मैं आज इसलिए कह रहा हूं, मुझे अपने शिवरार्थियों पर गर्व है कि 125 शिवरार्थियों से आज 5000 शिवरार्थियों की रन जा रही है। ये शिवरार्थी को देखकर शिवरार्थी प्रभावित है। यह है प्रभावना अंग। प्रभावना का अर्थ यह नहीं है कि तुम धर्म कर रहे हो, प्रभावना का अर्थ यह नहीं कि तुम व्रत कर रहे हो, प्रभावना का अर्थ है कि तुम जो कर रहे हो उससे दूसरा प्रभावित हो रहा है या नहीं, दूसरा भी अच्छा करने का भाव आ रहा है। उन 125 शिवरार्थियों ने सन 1993 में इतनी अच्छी चर्या की, इतनी अच्छी चर्या की कि आज 125 से 5000 की संख्या पहुंच गई। ऐसे ही नहीं होता। यदि शिवरार्थियों का यहां से जाने के बाद बुरे आचरण होते तो शिविर में कोई अपने बच्चों को नहीं भी, यहां से जाने के बाद लोगों की जो चर्या बनती है घरों में, पड़ोसी तुरंत कहता है अगली बार मेरा बेटा भी जाएगा। इसी का नाम प्रभावना है। जितनी भी कथाएं लिखी गई उन महान आत्माओं पर लिखी गई, जिन महान आत्माओं ने कथा लिखी और वो व्रत अमर हो गया, वो व्रत दूसरे लोग भी करने लगे। मैना सुद्री ने ऐसा सिद्ध चक मंडल विधान किया। सिद्ध चक मंडल विधान तो पहले भी था लेकिन मैना सुद्री के बाद जगत में प्रसिद्ध हो गया। अब जब भी कोई विधान करता है तो मैना सुद्री के नाम लेके करता है। उसने ऐसे किया। तो आपका कोई व्रत है मोटिवेशन, आपका कोई व्रत है, आप कोई धर्मात्मा है, आप में कोई अच्छाई है, इसका जब ही मानना अच्छाई जब तुम्हारी अच्छाई किसी को प्रभावित कर रही है, दूसरे का भी मन ललच रहा है कि मैं भी ऐसा अच्छा आदमी बनूं, तो यह कहलाती है प्रभावना।
तो ऐसा कोई भी धर्मात्मा नहीं हो सकता दुनिया में जिसका कोई फॉलोवर ना हो, कोई नहीं सकता। पंचम गुण स्थान से सदा यश कीर्ति का उदय होता है, अयश कीर्ति का उदय चौथे गुण स्थान तक ही होता है। जैसे ही वृत्ति बनता है पंचम गुण स्थान से लेकर चौदहवें गुण स्थान तक अयश कीर्ति का उदय होता ही नहीं, यश कीर्ति का उदय होता है। और यश कीर्ति का अर्थ है कोई ना कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। दो प्रतिमाधारी की प्रशंसा जगत में कहीं ना कहीं हो रही है, देवता कर रहे होंगे। हो ही नहीं सकता कि दो प्रतिमाधारी के लोग प्रशंसक ना हो, भक्त ना हो, हो ही नहीं सकता, वो वृत्ति नहीं हो सकता। इसलिए ये मानना। और अब जो सम्यक दर्शन की बात, चार धर्मात्मा व्यक्ति को, चार अंग जो हैं वो धर्मात्मा को फॉलोवर बनाते हैं। आपको अपना भक्त बनाना है, अपने आचार विचार के अनुसार सबको चलाना है, तो आप चार काम कीजिए, आपके भक्त बन जाएंगे, आप धर्मात्मा बन जाएंगे। पहला अर्थ उपगुहन, पहला अर्थ दुर्जन को माफ करना। जिसने तुम्हारे साथ अहित किया है, इसके लिए मैंने ये दो तीन उदाहरण दिए, जिसने तुम्हारा अहित किया है, नाश किया है, सब कुछ किया है, उस व्यक्ति को माफ कर देना। यशोधर महाराज गले में सर्प डाला है, यह क्षमा धर्म, यह क्षमा धर्म। गले में सर्प डाला है और जब आशीर्वाद दिया तो बोलो राजा शौनक भक्त बना कि दुश्मन? भक्त बना लिया, क्षमा धर्म से भक्त बनते हैं। हाँ कुछ टेढ़े होते हैं तो दस भाव के बाद बनते हैं, लेकिन बनेंगे। कमर दस भाव के बाद बना, लेकिन वो पारसनाथ का भक्त बन गया। क्षमा धर्म का अर्थ है दुष्टों को भी भक्त बनाने की कला इसमें है, शक्ति है। थोड़ा लेट बनेगा, ठोकर खा के बनेगा, लातों से पिटने के बाद बनेगा, लेकिन बनेगा। लातों से पिटेगा, जैसे बृहस्पति आदि हुए ना, विष्णु कुमार ने उसको लातों से जब ताड़ित किया, पर सुधरेगा वो। अंदर से क्रोध नहीं आना, अंदर से सुधारने का भाव रखना। दूसरा है अपने भक्त बनाने का स्थितिकरण। कोई गिर गया है उसे उठा दो, वो जिंदगी भर तुम्हारा हो जाएगा। कोई गिर गया है उसे संभाल लो, वो जिंदगी भर तुम्हारा हो जाएगा। जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, तुम बीच में आ जाओ, वो समय हो जाएगा। चारों तरफ उसका अपमान हो रहा है, तुम उसका सम्मान कर दो, वो तुम्हारा हो जाएगा। जैसे दुर्योधन ने कर्ण को अपना बनाया था, कर्ण का चारों तरफ अपमान हो रहा था, उस अपमान की दशा में दुर्योधन ने आकर के कर्ण को गले लगाया और अंग देश का राजा बना करके सम्मानित किया। अब देखना कर्ण इतना दुर्योधन का हो गया कि पता चल गया कि मेरी माँ है, पता चल गया कि ये पांचों भाई मेरे सगे भाई हैं। लेकिन जिसने जिसने अपमान के समय सम्मान दिया, कर्ण कहता है सब कुछ मिटा दूंगा, मैं मिट जाऊंगा, भाइयों को मिटा दूं, माँ मिट जाए, कुटुंब मिट जाए, लेकिन जिस समय मेरा अपमान हो रहा था उस समय जिसने मुझे सम्मान दिया है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। वैष्णव दर्शन के अनुसार कर्ण को सब मालूम चल गया, उसने एक ही जवाब दिया, ये परिवार के लोग उस समय कहां गए थे जिस समय मेरी भरी सभा में अपमान हो रहा था, जब मुझे सूत पुत्र कहा जा रहा था, जब मुझे सारथी पुत्र कहा जा रहा था, जब मुझे निंदा लेकर के उस प्रतियोगिता से बाहर किया जा रहा था, उस समय कहां गई थी मेरी मां? क्या उस समय नहीं जानती थी कि मैं इनका बेटा हूं? उस समय नहीं जानते मधुसूदन के मैं पांडवों का भाई हूं? क्या उस समय नहीं जानते थे तायश्री कि मैं कौन हूं? उस समय सब कहां गए थे? उस समय मेरा सम्मान मात किया है तो किसने? दुर्योधन। ये तो मैं स्थितिकरण के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि जब दुनिया में कोई पुण्यहीन हो,
सब तरफ से फिट गया हो, सब तरफ से मर गया हो, सुसाइड करने की दशा आ गई हो, उस समय जाकर तुम उसे गले लगा लेना, वो जन्म जन्म तक तुम्हारा हो जाएगा, यदि तुम धर्मात्मा हो तो। सम्यक दर्शन की विशेषता, समंत्रभद्र महाराज की ये खोज है कि तुम्हारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाएगा और एक भक्त तुम्हारा पक्का हो जाएगा, कच्चा नहीं। कोई दुनिया की ताकत उस भक्त को अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको तुमने उस कीचड़ में से निकाला था जहां से कोई निकालने वाला, उस दुविधा संकट से निकाला था जिस संकट में मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता, उस समय तुमने काम किया। मोटिवेशन जिंदगी में किसी उसके काम आओ जिसके कोई काम नहीं आता है, जिस दुनिया में सब तरफ से खत्म हो गया उसके लिए पारसनाथ ने उस नाग नागिन को बचाया, जिसको देखकर दुनिया मारती है उसी को पारसनाथ ने जाके बचाया। भवांतर में भी आकर के उसने कहा, यह है स्थितिकरण, यह है संकट में काम आओ, अपनी जिंदगी में एक नियम लेके जाओ, हम किसी के अच्छे दिनों में काम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन संकट के दिनों में हम साथ खड़े रहेंगे। एक वैष्णव दर्शन में बर्बरीक हुआ है, घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, उसने नियम लिया था कि मैं जिंदगी में कमजोर पक्ष से लड़ूंगा, अच्छे पक्ष से नहीं, शक्तिशाली पक्ष से नहीं, जो कमजोर होगा, जो विपदा में होगा उसके पक्ष से लड़ूंगा। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं अभी, यानी आपको आज मोटिवेशन लेना है जिंदगी में कि हम किसी के ऊपर संकट आएगा उस संकटवान के साथ सदा खड़े रहे, मन से, वचन से, काया से, तन से, धन से, मन से, सब तरफ से। वो है दुनिया में जो जिनका कोई नहीं है उनका मैं हूं, नारा लगाओ, जिसका कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने बोलो जिसका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।